खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे। और इस खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम अच्छे ड्रेस्ड अप होते हैं, क्योंकि जब आप अच्छे ड्रेस पहने रहते हैं तब आप कॉन्फिडेंट फील भी कर रहे होते हैं। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ वर्षा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ होटल डॉले इन में, जो कि विधान रोड सिलीगुड़ी में सिचुएटेड है, जहाँ पर एक बुटीक इंडियन फैशन एग्जीबिशंस लगा हुआ है, जहाँ पर हमारे टॉप कंट्रीज़ के डिज़ाइनर, टॉप डिज़ाइनर्स हम अपने कलेक्शंस को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस जो हमारे जो N&A मीडिया के जो ऑर्गेनाइजर हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि इस एग्जीबिशन के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं N&A मीडिया के ऑर्गेनाइजर, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में। हेलो सर, এখানে আমরা প্রত্যেক বছরই আসি, বছরে তিনবার করে এক্সিবিশন হয় এখানে। আপনারা আসুন, এখানে দেখুন, এখানে প্রচুর সারা ভারতবর্ষের থেকে লোক আসে, প্লাস কলকাতা শিলিগুড়িরও কিছু জন আছেন। আপনারা আসুন, দেখুন, উনি তারপরে আপনাকে একটার একটা পর করে স্টলগুলো আপনাদেরকে দেখাবে। যে আছে শুধু 18 তারিখ থেকে 20 তারিখ তক চলেগা, 10 থেকে 8 তক, সুবা 10 বাজে থেকে 8 তক হ্যাঁ ইয়ে এক্সিবিশন, তো 20 তারিখ তক চলেগা। তো আমারে অর্গানাইজার সে বাত করনে কে বাদ वक्त मौजूद है छंदा क्रिएशन में, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या कलेक्शंस है। तो आइए जानते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। हेलो मैम, तो आप कहाँ से आई हैं? मैं कलकत्ता से आई हूँ। ओके, तो आपने कलकत्ता के बारे में थोड़ा जो शॉप है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं कलकत्ता से आई हूँ, मेरा शॉप का नाम है छंदा क्रिएशन, जो कि आप देख ही सकते हो, और मेरा वैरायटी भी आप डिस्प्ले किया हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो। वेस्ट बंगाल हैंडलूम है मेरा, बनारस हैंडलूम भी है। वेस्ट बंगाल का जो मतलब हैंड का वर्क है, जो हम लोगों का एक बहुत ही उम्दा वर्क है, ये सब मेरा ये खुद का कारीगर का किया हुआ होता है। इसका वैरायटी बहुत सा वैरायटी होता है, ये देखिए, ये गुजराती स्टिच के ऊपर होगा, ये शॉल के ऊपर कश्मीरी हो गया। ये पेन से ड्राइंग किया है, ये जो साड़ी दिखा रही हूँ मैं ब्लैक के ऊपर, ये इसको बोलते हैं पेन कलमकारी, पेन से ड्राइंग किया हुआ है ये साउथ का है। तो अभी ये एग्जीबिशन कब से चल रहा है? आज से ही शुरू हुआ है और भी 2 दिन है, 18, 19, 20 को हम लोगों का खत्म है। तो जितने भी कस्टमर्स आए उनसे आपका क्या रिस्पॉन्स है, कैसा रिस्पॉन्स मिला? आज तो अभी कुछ ही घंटे हुआ है, शुरू हुआ है, लेकिन रिस्पॉन्स अभी तो बहुत ही अच्छा है, बहुत कस्टमर्स ऑलरेडी वर्किंग हो चुके हैं। और अभी देख सकते हो आप स्टॉल्स, वैरायटी स्टॉल्स में है, मेरा यहाँ भी कस्टमर था, तो मैं अभी कस्टमर को ही हैंडल कर, देख लेते ना, तो मैं कस्टमर ही हैंडल कर रही थी, तो है कस्टमर है। देखा आपने, कलकत्ता से हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो छंदा क्रिएशंस। तो अगर आपको हाथ का बना हुआ साड़ी या फिर ड्रेसेस चाहिए, तो मैं कहूँगी कि आपको प्लीज़ आप बुटीक इंडियन फैशन एग्जीबिशन में ज़रूर आए, जो कि होटल डॉली इन में है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि ये है मऊ एक्सक्लूसिव, तो आइए देखते हैं। और यहाँ पे जैसे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे खूब सारे एक्सेसरीज है, चाहे वो जीन्स के ऊपर, लहंगास के ऊपर, गाउन्स के ऊपर, कुछ में भी हम लोग पहन सकते हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत सा गोल्ड डिज़ाइन वगैरह भी है, तो आइए जानते हैं। हेलो मैम, हाय, तो आप कहाँ से हैं? कोलकाता। ओके, तो इस एग्जीबिशन के बारे में, अपने आउटलेट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। अभी ऑर्गेनाइजर जे অরিন্দম চক্রবর্তী, আমি ওর সাথে সবসময় বাইরে, মানে বাইরে যখনই আসি আমি ওনার সাথেই করি আর কি, কারণ অন্য কারোর সাথে আমি যাই না। কারণ ওনার সাথে করলে যতটা ভালো সব কিছু, আমরা বিজনেস বলো, সব দিক থেকে হেল্প বলো, সেটা আমরা খুব ভালো পাই, যার জন্য আমরা এর সাথেই আসি, আমি এর সাথেই আসি, তাছাড়া আমি কারোর সাথে আর যাই না।
এখন পর্যন্ত যা হয়েছে মোটামুটি ঠিকই আছে, জাস্ট আজকে ফার্স্ট ডে তো। ओके हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कुछ ऐसा दिखाइए कि वो आज ही की आज आने पे मजबूर हो जाए, ऐसा कुछ करेक्शन दिखाइए, कुछ ऐसे नया। এটা উডের উপরে আছে। হ্যাঁ এটা উডের উপরে গোল্ড পলিশ করা আছে, সুন্দর ডিজাইন বানা হুয়া হ্যায় উইথ দি আর্টিস্ট। ওকে সব সব মানে আমার যত সেট আছে সব হয়েছে, সব উইথ দি আর্টিস্ট আছে। যেমন এটা আমি দেখাচ্ছি देखा दर्शकों आपने कि मऊ एक्सक्लूसिव में कितने सुंदर सुंदर जो एक्सेसरीज है ज्वेलरीज है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम आ गए हैं सुकन्या बुटीक में। मैं आपको ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आपको शॉपिंग के लिए आउट ऑफ सिटी जाते हैं, आउट ऑफ सिलीगुड़ी जाते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आपको सारे कंट्रीज़ के साड़ीज़ हो गया या फिर सूट हो गया या फिर ज्वेलरीज हो गया एक ही जगह मिल जाए, तो इसी के साथ अब मैं आ चुकी हूँ सुकन्या बुटीक में। मैं कलकत्ता से आया है, वाराणसी से। वहाँ पर मेरा शॉप है। अच्छा, मेरा मैनुफैक्चरिंग है सिल्क तोशर कुर्ती दुपट्टा ब्लाउज अजरक का बैग है। ओके तो इसके पहले भी आपका कोई एग्जीबिशन यहाँ पे हुआ है आपके? हाँ हाँ हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ, किरण चंद्र भवन में। अच्छा अच्छा अच्छा। सिलीगुड़ी में कितनी बार हो चुका है आपका? सिलीगुड़ी में 6 times तो हो गया। तो इस बार क्या नया कलेक्शन है जो हमारे व्यूअर्स देखिए तो तुरंत तुरंत? मेरा कांथा का ब्लाउज है, कांथा वर्क का हैंड वर्क का ब्लाउज है, और ये अजरक का बैग है एक्सक्लूसिव। हाँ, और कांथा का वर्क का साड़ी है, हैंड वर्क। मतलब एक साड़ी 12 months लग जाता है एक एक साड़ी बनाने में। सोच ही सकते हो कि एक एक साड़ी में कितना मेहनत लगती है। यही है बुटीक है ना, बुटीक का यही तो काम है। और वो जो है एक्सक्लूसिव, ए वन पीस सिंगल पीस, वो दो नहीं दे सकते हैं। ओके ओके, मतलब एक ही पीस है अगर आपको चाहिए आप देख ही सकते हैं। हाँ, तो कस्टमर को तो आप कोलकाता से हैं, सिलीगुड़ी वासियों को क्या कहना चाहेंगे? वो आइए देखिए, देख के खरीदना है। हम तो बहुत साल से आ रहे हैं, अच्छा लगेगा, यही बोल रहा हूँ। सिलीगुड़ी वासी को अच्छा चीज दे जाएंगे हम लोग कोलकाता से। ठीक है, सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। देखा आपने कि सुकन्या बुटीक में एक साड़ी 12 महीने लग जाते हैं बनाने में, तो आप सोच ही सकते होंगे कि एक साड़ी में कितनी मेहनत लगती है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पहुंच चुके हैं अब वैदिक बुटीक में। जी हाँ, एक वैदिक बुटीक। तो हेलो मैम। हेलो, आप कहाँ से, आपकी कलेक्शन कहाँ से है? हाँ, मेरा जो बुटीक है ये कलकत्ता में है, कलकत्ता न्यू अलीपुर में। मेरा वैदिक बुटीक बहुत पुराना, 15 years हो गया। वैदिक बुटीक, मेरा पास जो है एक तो ओरिजिनल फॉर्म जो है वो कोई सिंथेटिक वगैरह इस टाइप का कुछ नहीं है, और हाँ ओरिजिनल क्वालिटी सब है। ताक तसर मजरक प्रिंट शिवहोरी कांथा स्टेज, बहुत सारा जो होता है, मतलब वेस्ट बंगाल का जो ट्रेडिशन होता है वो ट्रेडिशन के हम लोग लेकर आगे जहाँ फॉलो करते हुए सब कुछ है। तो मेरा पास जो है सब है, इसमें ये तो शांति निकेतन का फेमस है, इस टाइप का काम है। अच्छा, इस पे प्योर में हाथ का काम किया हुआ, हाथ का काम किया हुआ, हाथ का काम। इधर जो है दसर में हैंड पेंटिंग है, इसमें हैंड पेंटिंग है, बहुत मेहनत कर करके। हाँ, एक एक साड़ी। और सबसे खास बात ये है कि मेरा पास जितना साड़ी है सब एक एक पीस ही है, इसका कॉपी नहीं है। आप पहनोगे तो आप ही पहनोगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप जो पहन रहे वो और कोई ना पहने, तो आप इस शॉप पे जरूर आए प्लीज।
कस्टमर्स आए उनसे क्या आपका रिस्पॉन्स मिला? मेरा इधर तो कस्टमर जो आ रहा है बहुत ही अच्छा, और ये लगा कि सिलीगुड़ी का कस्टमर जो है इसका टेस्ट बहुत हाई है। हाँ, तो टेस्टफुल कस्टमर हमको मिला इधर। ये लोग बहुत सारे मेरा सारी पसंद किया है, इसीलिए थैंक यू। और ये लोग बहुत ही टेस्टफुल चॉइस है। तो इसके पहले भी आपने एग्जीबिशन कर चुके हैं या आपके फर्स्ट टाइम है? नहीं नहीं, हमें पहले भी किया था। हाँ, तो लेकिन उसमें हो गया 3-4 साल, बीच में तो पैंडेमिक भी हो गया, तो इसीलिए बंद हो गया। और पैंडेमिक के बाद ये फर्स्ट टाइम है हम लोग सिलीगुड़ी आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। तो देखा आपने वैदिक बुटीक, जहाँ पे एक साड़ी अगर आपको चाहते हैं कि सिर्फ आप एक ही साड़ी को और कोई ना पहने, तो इस शॉप पे आप ज़रूर आए। तो इसी के साथ हम दियाज एक्सक्लूसिव कलेक्शन में पहुँच चुके हैं। हेलो मैम, कहाँ से आप? हम सिलीगुड़ी से हैं। मेरा नाम वर्णाली सेन गुप्ता है। तो मेरा कलेक्शन है एक्सक्लूसिव बेड कवर कलेक्शन है। और जो शीत मतलब विंटर में ओढ़ने के लिए दोहर है, प्योर कॉटन दोहर है, और एक्सक्लूसिव हैंडमेड काथा है, पूरा एकदम डबल बेड साइज का है। ये वाला देखिए, ये बहुत सारा वेरिएशन है यहाँ पे, कलर भी है बहुत सारा। हम लोगों का खुद का प्रोडक्शन है ये। हम लोगों का जो रहते हैं वो सब काम करते हैं इसके ऊपर, तो बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा इसमें। अभी तो ये तो मतलब हम लोग के बंगाली का ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल काथा है, नक्शी काथा जो इसको बोलते हैं। तो अभी तो ये हम सब लोग भूल चुके हैं, लेकिन हम लोग को याद रहता है कि हम हमारे जो दादी परदादी सब जब बनाते थे इसको। इतना सुंदर है, पूरा बार्ड मोटिव है, दो बार्ड है इसको। हम देख सकते हैं कि एक एक चीज़ इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा डेढ़ से 2 महीना लग जाता है एक इसको कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल, ये तो देख के पता चल रहा है कि एक एक चीज पे आपने कितनी मेहनत की, कितनी बार बहुत सारा मतलब सब दिन रात एक कर देते हैं इसको बनाने। और मुझे पता है कि हमारे जो व्यूअर्स है वो आपकी मेहनत को जाया नहीं होने देंगे और इसी वक्त आपके शॉप में जरूर आएंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ज्वेलरी भी है यहाँ पे, ये कुछ कुछ दीदी का है, हैंडमेड ज्वेलरी है, मेरा दीदी है ये। हेलो मैम, आप भी सिलीगुड़ी के ही हैं? हाँ, हम लोग एक साथ ही रहते हैं, मेरा फ्रेंड है शर्मिष्ठा। तो इसके पहले भी आपने एग्जीबिशन अपने? हाँ, हम लोग घर के नज़दीक थे। अच्छा, मेला जैसा? मेला जैसा ना, वहाँ माटी के ऊपर में वैसे ही किया था। ओके, ये सब कॉपर में गोल्ड वॉश वैसा है, और कुछ हम हाथ में बनाते हैं जैसे कि ये, ठीक है। और जो जो साड़ी के साथ मैचिंग में जो मांगता है वैसे बना देते हैं हम। कुछ बेंगलोर से साड़ी लाया हुआ है बस जी, बारे में प्योर खूबसूरत तरीके से ही बनाया गया, और इतने खूबसूरत कलर है कि जो भी पहनेंगे तो उन दूसरों की नज़र उनके से हटने वाली है नहीं। ओके, तो हम आपको कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे हर एक आउटलेट का दिखाने का। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आप जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए ही यहाँ पे आए। यहाँ पे सैनिटाइजर आपको मिलेंगे, मास्क पहन के ही आए। और ये है होटल जो इन में विधान रोड सिलीगुड़ी में। तो अब हम आ चुके हैं हेल्दी, और हेल्दी की बात करें तो सबसे पहले हेल्थ हमारा इम्पॉर्टेंट है, हाइजीनिक चीज़ ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वक्त हम मौजूद है हेल्दी में, तो आइए जानते हैं कि हमें इस हेल्दी में क्या क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्या टेस्ट करने को मिलेंगे जो सिर्फ हाइजीनिक खाना चाहते हैं। ओके, तो हमारे साथ हमारी जो जुड़ चुकी है। हेलो मैम। हेलो, तो आप कहाँ से आई हैं? मैं सिलीगुड़ी से ही हूँ। आई एम डॉक्टर प्रज्ञा चटर्जी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। ये मेरा किचन है हेल्दी, और इसी में एग्जैक्टली हेल्दी डिश ही मिलते हैं। एग्जैक्टली हेल्दी डिश मतलब आप तो देख रहे हैं, समोसा है, और काइंड ऑफ स्पैन केक्स, पुडिंग, और इस तरह का घुगनी, जो सब कॉमन है फास्ट फूड के लिए, यही है मेरा। लेकिन ये हेल्दी है, कैसे? इसका इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही हमने बनाए। आप डॉक्टर है? आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम अ डाइटिशियन ऑल्सो, दैट्स वाई मेरा किचन इस तरह का है। बहुत सारा बहुत टाइप का स्मूदी भी मिलते हैं यहाँ,
जो बहुत ही हेल्दी होता है, बादाम चक्कीज जो बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लेना, हाँ तिल चक्कीज, बादाम चक्कीज, ये सब यहाँ मिलता है। ये मेरा इनोवेटिव किचन है। अगर आप सोच रहे होंगे कि समोसा तो अनहाइजीनिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो भी मसाले वगैरह होते हैं, और यहाँ पे मैं मेन्यू आपको दिखा देती हूँ, ये प्योर हेल्दी है, प्योर हेल्दी है, आप जो देख रहे हैं वो सब हेल्दी है। तो देखा आपने, धीरे धीरे हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हर आउटलेट का दिखाने का, और अभी बहुत और भी कुछ देखना है, तो आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं, हेलो मैम, हाँ बोलिए, तो आप कहाँ से हैं? हम कलकत्ता से। और आपकी जो आपका आउटलेट का नाम क्या है? मेरा शॉप का नाम है नूतने चंदन है। ओके। यहाँ पे बहुत सब कुछ है, साड़ी है, कुर्ती है, वहाँ पे सब कुर्ती है। ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, 1.5 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, रेगुलर यूज करने से भी इसका कलर ऐसे ही रहेगा। ओके, रेगुलर यूज भी करेंगे तो भी कलर 1.5 ग्राम गोल्ड प्लेटेड है। ओके ठीक है। और ये सब साड़ी है, साड़ी का बहुत सारे वैरायटी है, ये तसर के ऊपर है, ये कतन के ऊपर है, वो ऑर्गेन्जा है, ग्रीन जो है ना वो ऑर्गेन्जा है, और ये मेरा स्पेशलिस्ट है कि ये सब डिज़ाइनर है, सब सिंगल पीस है। अच्छा अच्छा, ये सब साड़ी ना सब सिंगल पीस है, जो पहनेगा वो सिंगल वही पहनेगा। पूरा साड़ी में ऐसे एम्ब्रॉयडरी करके, कट वर्क करके, इसके साथ ये डिजाइन करके ब्लाउज पीस है। हाँ, ये सब हैंड मेड। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में बहुत एग्जीबिशन करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो यहाँ एक ही बात बोलना है कि एक बार आइए, आके देखिए मेरा जो है, मेरा जो कलेक्शन है एकदम डिफरेंट है। ठीक है, वही बोलना है, जैसे मेरा डिजाइनर साड़ी सब एकदम डिजाइनर है और एकदम डिफरेंट है। ये कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि धीरे धीरे हर एक कुर्तीज का, हर जो बुटीक है वो दिखाने का, और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रुपीस कुर्तीज में। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये कहाँ की है और इस बार इनके कलेक्शंस में क्या नया है। तो हेलो मैम। हेलो, तो आप कहाँ से आई हैं? मैं सिलीगुड़ी से। अच्छा, हूँ। इसके पहले भी आपको कोई एग्जीबिशन हो चुकी है या फर्स्ट टाइम है? नहीं, किया स्टेडियम में किया, इधर अच्छा, किया। तो हमारे जो व्यूअर्स है उन्हें कुछ ऐसा दिखाइए कि वो तुरंत की तुरंत आपके आपके एग्जीबिशन में जरूर आए। हमारे पास विंटर कलेक्शन है, वो हाईनेक भी है, इंटर कलेक्शन है, आउटर भी है, ये सब यूनिक है, ये और ये भी है यूनिक, वो कश्मीरी काम का हुआ है, विंटर प्लाजो सेट भी है, विंटर सारे कुर्तीज है। हाँ, कुर्तीज है, कुछ ज्वेलरी भी है, कुछ शॉल भी है, और पीस भी है, वुलन शॉल का पीस जो है वो भी है। सारे हैंडमेड है या फिर? हैंडमेड भी है, सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा, ज्वेलरी भी है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत से डिजाइन किया आपने। मैं बोलूंगी आप आओ, आके देखो, यहाँ पर कलेक्शन सब कुछ रखा है, सब हर प्राइस का मिलेगा यहाँ पर, जो भी आपका प्राइस। स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से? स्टार्टिंग 200। हाँ, 200 लेकिन 200 में आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि होटल में है तो बहुत महंगा होता है, तो ऐसा नहीं है, आपको 200 से स्टार्टिंग मिलेगा। एग्जीबिशन देखने के बाद मुझे लग रहा है कि अभी किसी वक्त आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, आपके बजट में ही सब कुछ मिल जाएगा। और इसके साथ अब पहुँच चुके हैं कुहेली क्रिएशन में, तो चलते हैं इनसे और बातें करते हैं कि ये कहाँ की, इनके कलेक्शंस में क्या नया है और क्या लेके आएंगे। हेलो मैम। हेलो, तो आप कहाँ से आई? मैं कलकत्ता से आई हूँ। ओके, कोलकाता से आई। हाँ, तो इस बार, इसके पहले भी आपने कुछ? नहीं, मैं इस बार पहली बार हूँ, तो हाँ फर्स्ट टाइम है मेरा। और आपके कलेक्शन में ऐसा नया क्या है? नया है बच्चा लोग के लिए, जो छोटा बच्चा है, बच्चा का है, ये सब फ्रॉक स्कर्ट टॉप ये सब है, बैग्स है, और पंजाबी है, लड़का लोग के लिए पंजाबी है, कुर्ती सब मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, मेरा खुद का क्रिएशन है, कोई मार्केट का ये नहीं है। और आपका प्लाजो रैपर सब कुछ मिलेगा। मुझे लग रहा है कि एक बस छोटा शॉप है जहाँ पे बच्चों के लिए भी ड्रेसेस है। हाँ,
मैंने जितना भी एग्जीबिशन आपने देखा है उसमें बच्चों के लिए नहीं है, बट आपका ऐसा शॉप है जहाँ पे बच्चों के लिए भी है। हाँ। तो ये आपका प्लस पॉइंट है क्योंकि जब हम ड्रेस्ड अप होते हैं तो हम बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। जी हाँ, इसीलिए उसी को ध्यान रख के बच्चों का ध्यान रख के आके इसे माँ लोग ही खरीद के ले जाता है, तो बच्चों को लोगों के भी ले जाने से थोड़ा उनका भी खुश रहता है ना। बच्चों का है, ब्लाउज भी है, ब्लाउज वैरायटी डिजाइन ब्लाउज हैंड किया हुआ, हैंड का काम किया हुआ, पूरा सब कुछ है। मेरा है कुर्ती है, खुद का ये क्रिएशन का, मतलब कुर्ती है, ग्राउन मिलेगा, रैपर सेट मिलेगा, स्कर्ट मिलेगा, बच्चों के लिए फ्रॉक स्कर्ट मिलेगा, और अजरक का नाइटी, अजरक इक्कत का नाइटी है, और ऐसे मार्केट का जो नाइटी है वो भी मिलेगा, और पंजाबी मिलेगा। आप लोग आइए, मतलब आइए, हम लोग मतलब हम नया है और सब कुछ भी यह एक ही छत के ऊपर चीजें सब कुछ भी मिल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कोई है बाहर का है, आप लोग को भी खुश तो होंगे ही जरूर, तो आइए एकदम। ढेर सारी कलेक्शंस देखने के बाद, साड़ी के चाहे सूट के या फिर कुर्तीज के कलेक्शंस देखने के बाद, अब हम आते हैं ज्वेलरीज के, जो एक्सेसरीज हम जो पहनते हैं, चाहे जीन्स हो या सूट हो या साड़ी हो। तो अभी हम पहुंचे हैं नीलांजलाज कलेक्शंस में, तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो। तो आप कहाँ से आई? कलकत्ता से। अच्छा, कलकत्ता से। तो ये आपको फर्स्ट टाइम है या इसके पहले भी? नहीं, सिलीगुड़ी पहले भी आ चुके हैं, पर डॉलिन में पहली बार कर रहे हैं। डॉलिन में पहली बार है, तो इस बार नया क्या है? नया तो बहुत कुछ है, साड़ीज है, बहुत कुछ ला भी नहीं पाए, ज्वेलरीज है, जो शेल की ज्वेलरीज है इस तरह का, ये सारे हाथ का काम किया हुआ है, बटरफ्लाईज जो बने हुए हैं ये सारे हाथ से बने हुए हैं, मेहनत बहुत ज्यादा लगी होगी, देख के ही पता चला। और ये प्योर कॉपर में कॉइन्स किया हुआ है, जो गले में ऐसे आता है आपका। अच्छा, ये जो स्टाइल है आप इंडो वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हो, वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हो। हाँ, अभी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, क्या समझ को दिखाते हैं, न्यू कंसेप्ट है, सिल्वर एंड कॉपर का इयर रिंग्स है, प्योर आपका कॉपर है ये, इसमें पॉलिश इस तरह का, तो इस तरह का यूनिक लगता है पहनने से, थोड़ा बहुत ज्यादा यूनिक और खूबसूरत भी दिख रहा है। आप पहनी हुई हैं तो आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसको आप चाहे जीन्स में भी कैरी कर सकती हैं, सूट में भी कैरी कर सकती है, लहंगास हो या फिर गाउन हो, कुछ में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला है। कॉपर का इयररिंग देखा, उसी तरह का कॉपर का यहाँ से बना हुआ है, शंख है, कॉपर का शंख विद मीना किया हुआ है, और इसमें पूरा गार्नेट और बीज दिया हुआ है। ये सभी हाथ से बने हुए? ये सारे हाथ से बने हुए, रीऑर्डर्स होंगे, कुछ भी बाजार का नहीं। इवन ये इयररिंग्स जो आप अभी देख रहे हो शेल का बना हुआ है, ये भी हाथ से बना हुआ है। तो अगर हमारे व्यूअर्स से वो अगर चाहे कि वो खुद से मतलब अपने डिजाइन अगर वो बनाने के लिए कहें तो जी बन जाता है, बन जाएगा। हाँ, व्हाट्सएप में ग्रुप है मेरा। अच्छा। और फेसबुक में भी पेज है, तो वो जैसे डिजाइन बोलते हैं उस तरह का ऑर्डर देने से बन जाता है, क्योंकि कारीगर है इसलिए हम लोग बना सकते हैं, हैंडमेड कुछ भी, चाहे वो सिल्वर हो, गार्नेट हो, कोई भी, ये जितना भी आप यहाँ देख रहे हैं सारा ही हैंडमेड है। ये केमिकल के ऊपर है, केमिकल बीज बोलते हैं इसको, स्टोन्स में दो लड़की आता है, इस तरह का बनता है। खूबसूरत सा है, और इन सबको बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि इयररिंग से ये जो छोटे छोटे बीज होते हैं उससे बनते हैं हैंगिंग में। okay. ये हमारे वो कलकत्ता का जो ग्राम है शांति निकेतन, वहाँ से बनता है ये। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसमें और भी कॉम्बिनेशन है, जैसे कि इस तरह का आएगा, और ये उतनी ही लाइट वेट है जितनी की ये दिख रही है, मतलब इसमें कोई इससे वेटलेस। और अगर अगर आपको हैवी पहनना पसंद नहीं है, शेल के ऊपर है, यहाँ पे काफ़ी सारी ज्वेलरीज है जो हम लोग डिस्प्ले नहीं कर पा रहे, पर कुछ लोग हैं जो फर्स्ट डे के ये शेल के ऊपर फ्रेश है, तो ऑर्डर करके जा रहे हैं, वो लोग बुक करके जा रहे हैं, और नेक्स्ट में भी, जैसे ये कॉपर का मैंने इयररिंग एक दिखाया था, और एक बना हुआ ये कॉपर का है, प्योर कॉपर का है ये, ऐसे आ रहे हैं। डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, साड़ीज भी सबसे डिफरेंट रखने की कोशिश की है, साड़ीज भी हैंडमेड ही है, ये जो काम आप देख रहे हैं ये पूरे
एग्जीबिशन में किसी के पास इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक एक साड़ी हम लोग की इतनी महंगी आती है। ये पूरी बनारस का तसर है, उसके ऊपर ये काम किया हुआ है हाथ से, आरी कश्मीरी बोलते हैं, ये काम का कारीगर ज़्यादा मिलता नहीं है। ये कह सकते हैं कि वन पीस है ये और कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वन पीस है और खुद का डिज़ाइन है, दिमाग में जो आता है तो वही बनाते हैं और एक ही बनाते हैं ताकि बेटे के बाद दूसरा अगर भी ऑर्डर हो। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन्स क्या होती है ना कि वो नहीं चाहती कि वो जो पहनी है वो और कोई भी पहने, है ना, यूनिक होना चाहिए। जैसे ये आप देख रहे हो ये मटका साड़ी होता है, मटका उसके ऊपर ये कटवर्क किया हुआ है, ये आपका अगरबत्ती जो होता है उससे जलाया जाता है, जला के छेद कर करके करीबन एक साड़ी आपका 2 से 3 महीना लगता है बने, 2 से 3 महीना लगता है। हाँ, और ये पूरा जरी का फिर फिलिंग आता है इसके ऊपर फिनिशिंग करने में, इसमें सारा इसी तरह से। ये भी आप देख सकते हो ये काथा स्टिच है, 3D काथा है, 3 कलर का इसमें काथा का वर्क है, बॉडी के बॉर्डर में ये वाला काम जा रहा है और बॉडी के दूसरे बॉर्डर में ये काम जा रहा है, अलग अलग सूरत से कंसेप्ट कोशिश करते हैं बनाने का, इस सब की बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप बनाएं। हाँ, मतलब सबको पसंद आए, सबका कलर का, जैसे ये जूट के ऊपर है, ये जो नेकलेस बना हुआ है ये पूरा जूट के ऊपर बना हुआ है, ये आपका नेक पीस जो है ये चोकर बोलते हैं इसको, ये जो लगा हुआ है बॉस ये है डोकरा कहते हैं, ये आप इंडो वेस्टर्न स्टाइल में पहन सकते हैं, वेस्टर्न स्टाइल में भी पहन सकते हैं। ओके मैम, सो आपके डिज़ाइन वगैरह, आपके जो भी ज्वेलरीज है चाहे वो साड़ी हो या फिर कुछ भी हो, मुझे तो बहुत पसंद आए, आई एम श्योर कि जो व्यूअर्स है उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सिलीगुड़ी में इतना अच्छा एग्जीबिशन हो रहा है, कैलकटा का सारा बुटिक्स आए हुए हैं, आप लोग आके हमारा कलेक्शन देखिए, लेना ज़रूरी नहीं होता है, डिमांड कीजिए, पसंद कीजिए, और हाँ कॉन्टैक्ट रखिए, आने वाले आज नहीं लेंगे कल लेंगे परसों लेंगे, तो सिलीगुड़ी में बुटिक्स हैं पर खुद का क्रिएशन सबका अलग अलग होता है, तो हम लोग चाहेंगे सारे लोग आए पसंद करें एडमायर करें। तो देखा आपने, धीरे धीरे करके हमने जितने भी बुटीक्स हैं, जितने भी एग्जीबिशंस हैं, सब ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डिज़ाइनर्स थे, अपनी कोशिश उन्होंने कोशिश की कि धीरे धीरे सब दिखाने की। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आई एम डैम श्योर कि आपको पसंद ही आया होगा, और ये जैसे कि मैंने कहा कि ये होटल डॉले इन में है और जो कि सिलीगुड़ी के विधान रोड में सिचुएटेड है, और ये 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक है और सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप इस एग्जीबिशन में ज़रूर ज़रूर आए, और ये मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो अभी कोविड चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही आप इस एग्जीबिशन में आए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए, नमस्कार।